ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ बर्मा और एंग्लो बर्मीज रिलेशन, क्या कारण थे एंग्लो बर्मीज वार के? दोनों देशों के बीच ये जो वार है उसका इनिशिएट होता है बॉर्डर क्लैशेस के कारण, बट इसके पीछे थे ब्रिटिश एम्बिशन और बर्मीज एक्सपेंशन पॉलिसी। बर्मीज किंग अलोंगपाय और उनके सक्सेसर बोंदनपाय ने अपनी टेरिटरी का काफ़ी वेस्टवार्ड एक्सपेंशन किया और धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी तक वो आ पहुँचे थे। अब यह एक थ्रेट क्रिएट कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उन्होंने 1785 में आकारान को, फिर 1813 में मणिपुर को कन्क्वेर कर लिया और धीरे धीरे यह खतरा प्रोड्यूस करने लगा ब्रह्मपुत्र वैली और असम के लिए। एंड फाइनली इन 1822 बर्मीज कन्क्वेर द असम। इसके बाद 1824 में ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटी ने वार डिक्लेयर कर दिया बर्मा के खिलाफ। ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश थे वो मेन मनी और मटेरियल में काफ़ी सुपीरियर थे, तो जीत किसकी होगी इसमें कोई शंका था नहीं। और उन्होंने रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया मई 1824 में, और उसके बाद साइन करते हैं लोग ट्रीटी ऑफ यदाम्बो। ट्रीटी ऑफ यदाम्बो, अब ट्रीटी में जैसा वो लोग करते थे, करते आए हैं कि पहले तो युद्ध का खर्चा दीजिए 1 करोड़ रुपये, शुरू से वो करते आए हैं, उनका ये पॉलिसी है युद्ध करेंगे पहले आप पैसा दीजिए। दूसरा चीज़, जो कोस्टल प्रोविंसेस थे आकारान का उस पर आप दावा छोड़िए। तीसरा, उन्होंने कहा कि आप जितने भी आपके क्लेम हैं असम पर उसको अबेंडन यानी कि छोड़ दीजिए, और चाचर रीजन पर और जयंतिया रीजन पर। अगली चीज़ कि मणिपुर को जितने भी चीज़ उन्होंने किया था सब उनसे उन्होंने वापस करवा लिया। मणिपुर से को आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानेंगे। और अगला ट्रीटी था जो वो करते हैं कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके यहाँ होगा, जो करते आए नेपाल में भी उन्होंने कहा और इंडिया में भी करते थे राजवारों के खिलाफ, कि आपका एक दैट देयर वुड बी ब्रिटिश रेजिडेंट होगा और उसके अलावा एक बर्मीज इन्वॉय कलकत्ता में होगा। ठीक है, अब इस ट्रीटी का इंटायर कोस्ट लाइन को उन्होंने एक्वायर कर लिया। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वार, सॉरी बर्मा वार के लिए। लेकिन सेकेंड बर्मा वार के लिए क्या कारण थे? इट वॉज अ टोटली आउटकम ऑफ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल ग्रीड, और पूरे के पूरे जो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति थी, कमर्शियल लालच है, उसका परिणाम था। ब्रिटिश के टिम्बर फॉर्म थे, उन्होंने काफ़ी समय से नज़र टिकाए हुए थे ब्रिटिश के लोगों ने बर्मा के टिम्बर पर। बर्मा में टिम्बर के लिए फर्नीचर के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिलती है और काफ़ी महंगी लकड़ियाँ मिलती है, और उनका यह मानना था कि इसको अगर नेक्स कर ले तो फिर उनको तो केवल प्रॉफिट चाहिए। तो उन्होंने फुल ब्रिटिश एक्सपेडिशन को डिस्पैच किया बर्मा के लिए 1852 में, और यह काफ़ी डिसिसिव वार था, काफ़ी छोटा वार था, और फिर इसको जीत लिया और पेगू को एनेक्स कर लिया। ठीक है, काफ़ी समय तक शांति बनी रही, लेकिन बाद में 1885 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है, वहाँ के एक राजा थे थिगबा, उन्होंने एक कॉमर्शियल ट्रीटी साइन करा फ्रांस के साथ। अब ये उनके मन में अप्रिहेंशन क्रिएट कर रहा था कि जो टाई बर्मा का बढ़ रहा है फ्रेंच के साथ, इनकी दोस्ती बढ़ रही, हो सकता है कि अमेरिका के साथ भी ये लोग काफ़ी नज़दीक चले जाए, ये उनको भाया नहीं, ये काफ़ी जीलियस फील कर रहे थे और उनको लग रहा था कि भाई उन पर खतरा है, उनके हितों पर खतरा है, ये एक डायरेक्ट ब्लो हो सकता है, तो ये उनको सही नहीं लगा। फिर उन्होंने थिक बॉय ने नेगोशिएटिंग कमर्शियल ट्रीटी स्टार्ट कर दी जो उनके राइवल थे फ्रेंच के साथ, और फ्रेंच सोच रहा था कि एक रेल लिंक बनाया जाए। ये सब बातें ब्रिटिश को अच्छी नहीं लग रही थी और वो खतरा महसूस कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक ह्यूमिलेटिंग फाइन को इम्पोज कर दिया ब्रिटिश टिम्बर कंपनी पर। अब उनको लग गया कि अब पानी सर के बाहर जा रहा है, तो उन्होंने फिर वार स्टार्ट कर दिया नवंबर में 1885 में, और फिर किंग को सरेंडर करना था ही। 28 नवंबर 1885 को किंग सरेंडर कर देता है और वो पूरे के पूरे बर्मा एम्पायर को एनेक्स कर लेते हैं। छोटी सी बॉर्डर क्लैश से शुरू हुई लड़ाई पूरे के पूरे एम्पायर को एनेक्स कर लेता है काफ़ी आसानी से। हालांकि सेकेंड बर्मा वार के बाद भी वहाँ पे गुरिल्ला वार फेयर स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने प्रतिरोध काफ़ी हद तक किया लोअर बर्मा रीजन में, और इसके बाद ब्रिटेन को भी काफ़ी पे करना पड़ा, आसान उनके लिए भी नहीं था कि ब्रिटिश हैड टू एम्प्लॉय 40,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर नियरली 5 ईयर। एंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस कंडेम द एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, उनके भी एक टॉपिक था जो उनके प्रपोजल थे उनमें, उन्होंने बर्मा के एनेक्शन को कंडेम किया। फिर 1935 में ब्रिटिश ने बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया। वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक पॉपुलर मूवमेंट वहाँ पे अरोज हो रहा था, काफ़ी वहाँ पे मांग उठ रही थी, तो उन्होंने उसको हटा दिया। फिर भी वहाँ के लोगों को यह मांगों को शांत ना कर सका। और फिर बाद में ऑन January 4, 1948 बर्मा गॉट इंडिपेंडेंस, इन्होंने इंडिपेंडेंस को पा लिया। और इसके पीछे कारण दिए गए थे कि बर्मा भाई नेचुरल पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है। तो ये था कारण एंग्लो बर्मीज वार का या एंग्लो बर्मीज रिलेशन। थैंक यू।